जब से आई माधवी लता असद भाई लापता, यह नारा हैदराबाद में आने वाले आम चुनाव की पृष्ठभूमि तैयार कर रहा है। पिछले 4 दशक से हैदराबाद में AIMIM जम के बैठी है, लेकिन इस बार बीजेपी की एक नई उम्मीदवार माधवी लता ने इस जमी जमाई सत्ता को हटाने का फैसला कर लिया है। असदुद्दीन ओवैसी जो हैदराबाद पर एक तरफा राज करते हैं, उनके राज पर क्या बीजेपी का यह महिला कार्ड काम करेगा? ओवैसी की पार्टी और हिंदुओं पर जुल्म करने वाले रजाकारों के बीच क्या संबंध है? AIMIM की स्थापना क्या रजाकारों के द्वारा की गई थी? बीजेपी से टिकट प्राप्त करने वाली माधवी असल में है कौन? एक समाज सेवी, एक चित्रकार या फिर एक नई उभरती हुई राजनेता? जानेंगे आज के वीडियो में। साथ ही जानेंगे हैदराबाद, ओवैसी परिवार, रजाकार और AIMIM की राजनीति को। नमस्कार, मेरा नाम आदर्श चौधरी है और आप देख रहे हैं बिग वाई मीडिया की स्पेशल सीरीज जन नेता, जहां हम आपको भारत के अलग अलग नेताओं के जीवन की कहानियां सुनाते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हैदराबाद सीट से बीजेपी की नई महिला उम्मीदवार माधवी लता के बारे में, पर उससे पहले जानेंगे हैदराबाद की हॉट सीट के बारे में और 1984 से यहां राज कर रहे ओवैसी परिवार के बारे में। साल 1984 में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM पहली बार हैदराबाद की सीट से लोकसभा में दाखिल हुई। इस समय सलाउद्दीन ओवैसी सीट से MP बने। तब से अब तक हैदराबाद से AIMIM के ही MP बनते आए हैं। 1927 में हैदराबाद में नवाब महबूब नवाज खान किलेदार के द्वारा एक संगठन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी MIM का गठन किया गया था, जिसे आज हम AIMIM के नाम से जानते हैं। शुरुआत में यह संगठन मुसलमानों के लिए अपनी संस्कृति और धर्म पर विचार करने के मकसद से बना था। नवाब के बाद 1938 में बहादुर यार जंग को इस संगठन का अध्यक्ष चुना गया और 1944 में बहादुर यार जंग की मौत हो गई, फिर कासिम रिजवी MIM के नए अध्यक्ष बने। उस समय हैदराबाद पर निजामों का राज था और बहादुर यार जंग और कासिम रिजवी ने मिलकर 1938 में निजामों की सुरक्षा के लिए एक सेना का गठन किया था, जिसे रजाकार नाम से जाना जाता था। यह दोनों MIM के अध्यक्ष भी रहे थे। यहाँ यह जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भारत आजाद हुआ और हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए युद्ध हुआ, तब रजाकार और MIM ने मिलकर निजामों का साथ दिया था। यह युद्ध 5 दिन तक चला था और इस ऑपरेशन को ऑपरेशन पोलो कहा गया था। जब युद्ध खत्म हुआ तो हैदराबाद भारत का हिस्सा बन चुका था और कासिम रिजवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। साथ ही MIM पर भी बैन लगा दिया गया था। रजाकारों ने इस युद्ध के अलावा इलाके के हिंदुओं पर और भी कई बार अत्याचार किए थे। रिजवी 1957 तक जेल में रहा, फिर उसे इस शर्त पर रिहा किया गया कि वह पाकिस्तान चला जाएगा। पाकिस्तान जाने से पहले 1958 में रिजवी ने अब्दुल वहीद ओवैसी नाम के एक वकील को MIM का अध्यक्ष बनाया और इस वकील ने MIM का नाम बदलकर AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर दिया। साथ ही ओवैसी ने इस संगठन को राजनीतिक घोषित किया। फिर 1975 में अब्दुल वाहिद ओवैसी के बेटे सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी ने पार्टी संभालना शुरू किया और फिर 1984 में MP बन लोकसभा में दाखिल हो गए। 84 के बाद 2004 तक सुल्तान MP रहे, फिर उसके बाद उनके बेटे ओवैसी असदुद्दीन ओवैसी मैदान में उतरे और अब तक वही सत्ता में बने हुए हैं। ओवैसी जितने वोटों के मार्जिन से जीतते हैं, यूं लगता है कि मानो लोकसभा चुनाव में इनका एक तरफा सिक्का चलता है। 2019 के चुनाव में ओवैसी के हिस्से में कुल 5,17,471 वोट आए और वहीं जो कैंडिडेट दूसरे स्थान पर रहा उनके हिस्से में मात्र 2,35,285 वोट यानी करीब 3 लाख वोटों का अंतर। इतना मार्जिन हो तो फिर किसी भी कैंडिडेट की चुनाव जीतना तो दूर, लड़ने की भी हिम्मत नहीं होती। एक तरीके से यह वो द्वंद्व है जहां हार निश्चित है, पर इस बार बीजेपी एक ऐसी उम्मीदवार को लेके आई है जो बात करती है इस हारे हुए द्वंद्व को जीतने की, वो भी छोटे मोटे अंतर से नहीं बल्कि 1.5 लाख वोटों से। मैं बात कर रहा हूं हैदराबाद की रहने वाली 49 साल की माधवी लता की, जो पिछले 20 सालों से हैदराबाद में समाज सुधार का काम कर रही है। ये पिछले काफी समय से लोपामुद्रा चैरिटेबल ट्रस्ट और लथामा फाउंडेशन नाम के 2 NGO चलाती है, जहां से मदरसों और गरीब परिवारों में खाना, कंबल और बाकी जरूरत की चीजें भेजी जाती हैं। माधवी हैदराबाद के विरंची अस्पताल की चेयरपर्सन भी है और वह लगातार हेल्थ कैंपेन्स ऑर्गेनाइज करती रहती है। माधवी का जन्म 30 जनवरी 1975 को हैदराबाद के एक गरीब परिवार में हुआ। उन्होंने
वहां अपना सारा बचपन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन लोगों को मुहैया होने वाले घर में बिताया। उनका घर रोड के लेवल के 300 फीट नीचे था। इन हालातों में बड़ी होने के बावजूद भी माधवी ने लोगों के लिए काम किया और धीरे धीरे हैदराबाद में अम्मा के नाम से मशहूर हो गई। हैदराबाद में हमेशा से हिंदू मुस्लिम राजनीति होती आई है। अम्मा भी इसी राजनीति के बीच में पली बढ़ी और RSS का हिस्सा भी रही, लेकिन कभी अम्मा ने हिंदू मुस्लिम में भेदभाव नहीं किया। यहाँ तक कि जब हैदराबाद में ट्रिपल तलाक का मुद्दा गरमा रहा था, तब भी माधवी मुसलमान औरतों के समर्थन में खड़ी थी और उस मुहिम में BJP का चेहरा भी बनी थी। माधवी एक पढ़ी लिखी उम्मीदवार है। उन्होंने निज़ाम कॉलेज से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बैचलर्स की और उस्मानिया यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स की डिग्री ली। इतना ही नहीं, माधवी एक पेंटर, सिंगर, टीचर और एक कमाल की ओरेटर भी है। लोग उनकी बातों को सुनना पसंद करते हैं। वे कई बार धार्मिक भाषण भी देती हैं जिसमें हिंदू धर्म की तारीफें होती हैं। यह माधवी का पहला चुनाव है, पर उनके कामों को देख के लगता है कि पिछले कई सालों से इसी की तैयारी में वे लगी थी। जितना काम और सेवा उन्होंने हैदराबाद में की है, उतनी तो जीते हुए उम्मीदवार भी नहीं करते। यहाँ तक कि असदुद्दीन ओवैसी, जो अपने आप को पूरे भारत देश के मुसलमानों का मसीहा बताते हैं, उन्होंने भी अपने इलाके के पसमंदा मुसलमानों की मदद करने का जब समय आया तो उससे मुकर गए। उन पसमंदा मुसलमानों का हाथ भी माधवी लता ने ही थामा। उन्हें जहां जैसी जरूरत हुई, सभी का इंतजाम माधवी लता ने ही किया। टिकट मिलने के बाद माधवी ने जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी पर आरोप लगाए, उन्हें देखकर यह भी पता चलता है कि वे अपनी जीत के लिए बहुत सीरियस है। अम्मा ने ओवैसी पर पिछले चुनाव में धोखेबाजी से जीतने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि असद के पास 6,20,000 फर्जी वोटर हैं, जिनमें से 1,60,000 तो डबल वोटर हैं, यानी व्यक्ति एक ही है पर उसके पास दो अलग अलग एड्रेस के दो वोटर आईडी हैं। आगे उन्होंने बताया कि ओवैसी ने इस बार जो जैगुआर लैंड रोवर इलेक्शन कमीशन को सबमिट करवाई है, वो किंग्स रेडियो XM प्राइवेट लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड है और किंग्स रेडियो एक रियल इस्टेट कंपनी है जिसपे IT के छापे पड़ते रहते हैं, और इस कंपनी पर यह भी आरोप है कि यह अनधिकृत पैसा राजनीतिक दलों को देती है। एक आरोप और माधवी ने ओवैसी पर लगाया, जिसमें उन्होंने कहा कि 2017-18 में ओवैसी ने अपनी सालाना कमाई 10 लाख बताई थी और फिर 2018 में अपनी बेटी की सगाई में 6 करोड़ रुपए का खर्चा किया था। माधवी लगातार चुनाव की तैयारी में व्यस्त है और धीरे धीरे पूरे देश की नजरें हैदराबाद सीट की ओर आकर्षित कर रही हैं। देखना यह है कि क्या माधवी ओवैसी को हटाकर सत्ता हासिल कर पाएगी या BJP का यह महिला कार्ड भी काम नहीं कर पाएगा। आपके अम्मा माधवी लता के बारे में क्या विचार है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहें BigY Media।